हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल पूनम चौहान रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड मेयोनी की रेसिपी, वो भी बिना ग्राइंडर जार में। बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है। साथ ही मैं मेयोनी से बना एक सैंडविच की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजिली बन जाती है। होममेड मेयोनी घर पे बनके तैयार हो गई है। बिना ग्राइंडर जार के बनाया है हमने, तो यहाँ पे मैं वन टेबल स्पून के करीब मैं इसमें और ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वह सैंडविच सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों का तो फेवरेट होता है।
तो देखिए हमारा ये मिश्रण बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर का बटर लिया है और ब्रेड की स्लाइसिस में हम इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे सैंडविच में। दूसरी ब्रेड में भी हम बटर को स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमारा मिश्रण है ब्रेड के बीच में इस तरीके से स्प्रेड करेंगे, पूरे अच्छे से लगाएंगे। अब कोई भी किनारा नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से लगाने से जो सैंडविच है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इस तरीके से हमने सब में अच्छे से लगा लिया है सारा मिश्रण। और अब ये जो दूसरी ब्रेड है इसको हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हल्का सा इसको दबाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये मिश्रण अच्छे से सेट हो गया है और इसी तरीके से हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दो ब्रेड को इस तरीके से रेडी किया है। अब हम इसको बीच में से कट करेंगे हमारे सैंडविच को। आप चाहे तो इसको ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ईजिली हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा कोल्ड वेज मेयोनीज सैंडविच बनके तैयार है। बिल्कुल मिनटों में बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बिलीव मी आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों को बड़ों को सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे कैसे भी सर्व कर सकते हैं, ट्रायंगल शेप में कट करके या रेक्टेंगल शेप में कट करके सर्व कर सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगा। आप इस सैंडविच को पूरे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है और आप इसे 2 से 3 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये क्विक और ई सैंडविच और मेयोनीज की रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।